गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 6.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग कुछ स्टोरी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने स्टोरी प्रॉब्लम डिस्कस की थी जिसपे सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस लग रहे थे। इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, जो स्टोरी प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें जो मेजरमेंट है उस पर हम लोग डिवीज़न के और मल्टीप्लिकेशन के भी ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई करेंगे। सो मैं आपको वन बाय वन जो सम्स हैं वो आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ। फर्स्ट सम इज द कॉस्ट ऑफ 1 meter क्लोथ फॉर पैंट्स इज ₹265.50 एंड देयर इज 24 meter क्लोथ इन अ रोल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 bundle। अब वो बोल रहे हैं कि जो क्लोथ है, जो पैंट के लिए क्लोथ रिक्वायर्ड है, 1 meter क्लोथ का प्राइस क्या है, 265.50 rupees है। और एक रोल में कितना कपड़ा होता है, 24 meter कपड़ा होता है। एक रोल में 24 meter कपड़ा है और 1 meter कपड़े का आपको जो कॉस्ट है, जो प्राइस है उसका, वो आपको दिया गया है 265.50 rupees। और आपको फाइंड क्या करना है, एक बंडल की कॉस्ट फाइंड करनी है कि एक बंडल आपको कितने का पड़ेगा। अब एक बंडल में कपड़ा कितना है, 24 meter, और 1 meter का खर्चा कितना है, 265.50 rupees। तो हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। कॉस्ट फॉर वन मीटर क्लोथ इज ₹265.50। अब हमें फाइंड करना है कि बंडल का कितना प्राइस होगा, तो बंडल में जितना कपड़ा है पहले उसका हमें पता करना पड़ेगा कि उसके पे उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अब बंडल में कितने मीटर कपड़ा है, 24 meter कपड़ा है। सो कॉस्ट फॉर 24 meter क्लोथ इज, 1 meter का दिया हुआ है, 24 meter का फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, 24 को 265.50 rupees से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर ज़ीरो द ज़ीरो, फोर फाइव द ट्वेंटी, फोर फाइव द ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस टू इज़ 22, फोर सिक्स द 24, 24 प्लस टू इज़ 26, फोर टू द 8 प्लस टू इज़ 10, टू ज़ीरो द ज़ीरो, टू फाइव द 10, टू फाइव से 10 प्लस वन इज़ 11, टू सिक्स से 12 प्लस वन इज़ 13, टू टू द 4 प्लस वन इज़ 5। उनको ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 इज़ 0, 0 प्लस 0 इज़ 0, 2 प्लस 0 इज़ 2, 6 प्लस 1 इज़ 7, 0 प्लस 3 इज़ 3, 5 प्लस 1 इज़ 6। अब ये आपके पास कितना प्राइस आ गया 24 मीटर कपड़े का, 63, ये आ गया आपके पास 637,200। बट यहाँ पे हमारे पास कितना था, 265.50, डेसिमल 50 था, डेसिमल था, डेसिमल के आगे टू डिजिट थे, तो यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के आगे टू डिजिट होने चाहिए। तो हमारे पास ये कितना बन गया, कॉस्ट फॉर 24 meter क्लोथ इज ₹6,372। अभी 24 meter क्लोथ का लिए अकेले आपके पास खर्चा आ गया, आपको फाइंड करना था कॉस्ट एक बंडल का। अब बंडल में कितना कपड़ा है, 24 meter, तो जो 24 meter के लिए हमें खर्चा हमारे पास आया है वही एक बंडल का प्राइस भी होगा। सो is also ₹6,372 and this is our required answer. Next sum हमारे पास, the weight of a box of mangoes is 32.4 kilogram। एक box है आपके पास mangoes का, उसका weight कितना है, 32.4 kilogram है। A shopkeeper wants to make 6 packets from this। एक दुकानदार जो है वो इस box से आम के 6 packets
बनाना चाहता है। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ मैंगोज विल बी देयर इन ईच पैकेट। तो आपको फाइंड क्या करना है कि एक पैकेट में कितने किलोग्राम आम जो है वो आएंगे। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। हमें गिवन है वेट ऑफ बॉक्स ऑफ मैंगोस। एक बॉक्स का कितना वेट है 32.4 किलोग्राम। और आपको कितने पैकेट्स बनाने हैं, 6 पैकेट्स बनाने। और फाइंड क्या करना है कि एक पैकेट का कितना वेट होगा। आपको एक बॉक्स का वेट गिवन था, आपको उसमें से एक बॉक्स ऑफ मैंगोस का वेट गिवन था और उसमें से आपको 6 पैकेट जो हैं वो बनाने हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि एक पैकेट में कितने आम आएंगे। तो आपको जब भी एक पैकेट में क्वांटिटी फाइंड करनी है या एक, तो तब हम क्या करेंगे, जो टोटल वेट हमें गिवन है उसको नंबर ऑफ पैकेट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवीजन करते हैं। 6 5 30 माइनस किया 24 आया, 6 4 24 डेसिमल यहाँ पे था तो मैंने यहाँ पे भी डेसिमल लगा दिया और यहाँ पे भी डेसिमल लगा दिया। 6 4 24 माइनस किया फिर से तो हमारे पास यह क्या आ गया कि एक पैकेट में कितने किलोग्राम आम जो है वो आ सकते हैं, वो कितना है 5.4 किलोग्राम। सो वेट ऑफ मैंगोस इन वन पैकेट इज 5.4 किलोग्राम। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, अ वेसल कंटेन 28.5 लीटर ऑयल। एक वेसल है उसमें कितना ऑयल आ सकता है 28.5 लीटर। और उसमें से आपको क्या करना है, 5 छोटे कंटेनर्स जो हैं उनको भरना है। हाउ मच ऑयल विल बी देयर इन वन स्मॉल कंटेनर। और आपको फाइंड करना है कि एक छोटे कंटेनर में कितना ऑयल जो है वो आ सकता है। तो सेम जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह का ही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको वेट दिया हुआ था, 6 पैकेट बनाने थे और उसमें से आपको एक पैकेट का वेट फाइंड करना था। यहाँ पे भी एक वेसल है उसमें ऑयल है, उसमें से आपको 5 छोटे कंटेनर्स को फिल करना है और आपको फाइंड क्या करना है कि एक कंटेनर में कितना ऑयल आ रहा है। तो ये सिंपल डिवीजन का सम है जिसमें आपको क्या करना है, 28.5 लीटर को 5 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ बंडल ऑफ कॉपीज वेज 99.8 किलोग्राम, फाइंड द वेट ऑफ 14 सच बंडल्स। अब एक बंडल का, कॉपीज का जो एक बंडल है उसका वेट कितना है, 9.8 किलोग्राम है। और आपको फाइंड क्या करना है, उस तरह के 14 बंडल्स जो हैं उनका वेट फाइंड करना है। तो पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं। वेट ऑफ वन बंडल ऑफ कॉपीज इज इक्वल्स टू 9.8 किलोग्राम। सो वेट ऑफ 14 बंडल्स ऑफ कॉपीज इज इक्वल्स टू, अब एक का आपको वेट गिवन है, ज़्यादा का वेट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9.8 किलोग्राम को 14 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 8 32 4 9 36 36 plus 3 is 39 1 8 is 8 1 9 is 9 ऐड किया, ये हमारे पास आ गया टोटल। हमारे पास वेट कितने बंडल्स का, 14 बंडल्स का। सो वेट ऑफ 14 बंडल्स इज 1372 किलोग्राम। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द लेंथ ऑफ द स्टिक इज 12.7 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेवन सच स्टिक्स। सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है, आपको एक स्टिक की लेंथ गिवन है 12.7 सेंटीमीटर और आपको फाइंड क्या करना है, सेवन स्टिक्स की लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। ठीक, अब एक की लेंथ आपको गिवन है, ज़्यादा की लेंथ आपको फाइंड करनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंथ फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 12.7 सेंटीमीटर को 7 से। तो इस तरह से आप ये फिफ्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है 6.5 वो कम्प्लीट होती है। थैंक यू क्लास।